अंतरिक्ष, तुमने देखा किस प्रकार से द्रोण के अधीन और कृपा के अधीन सारे पांडव और सारे कौरव ये शस्त्र और अस्त्रों की विद्याएं सीखने लगे। द्रोणाचार्य बिकेम द ऑफिशियल मार्शल टीचर ऑफ ऑल द कुरु डायनेस्टी। भीष्म ने उन्हें घर अच्छे से धन धान्य वस्त्र इत्यादि सब दे करके अपने हस्तिनापुर राज्य में रखा और अपने सारे पोतों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए प्रेरित किया। द्रोणाचार्य वॉज इम्पार्टिंग लेसन्स टू ऑल द पांडवस एंड कौरवस। सारे पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के अधीन रह गए और द्रोणाचार्य वॉज वेल इक्विप्ड टीचर। उन्होंने अपने गुरु अग्निवेश से शस्त्रों की विधिवत विद्या अर्जित की थी, परशुराम जी से अस्त्रों की विद्या अर्जित की थी। शस्त्र और अस्त्र इन दोनों में क्या फर्क है? शस्त्र यानी वो युद्ध के औजार जो हम हाथों में लेकर के लड़ते हैं, तलवार, भाला, ढाल, धनुष बाण, गदा, ये सब शस्त्र हैं। फिजिकली हैंड में, हाथ में ले करके व्यक्ति युद्ध करता है। अस्त्र क्या है? अस्त्र है सेलेस्टियल वेपन्स, अग्नेय अस्त्र जिससे अग्नि पैदा होगी मंत्रोच्चारण से। सो मंत्र उच्चारण से बाण मारेंगे तो अग्नि पैदा होगी। वायव्य अस्त्र, मंत्र उच्चारण से करके बाण छोड़ेंगे तो वायु बहेगी। वरुण अस्त्र, मंत्र उच्चारण करके बाण छोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा वर्षा होगी। भौम अस्त्र, मंत्रोच्चारण करके बाण छोड़ेंगे तो हवा में भूमि आ जाएगी। अंतर्धान अस्त्र, मंत्रोच्चारण करके बाण छोड़ेंगे तो सारा जो कुछ भी सामने है सब गायब हो जाएगा। तो ये सारे अस्त्र हैं, सेलेस्टियल वेपन्स अस्त्र, फिजिकल वेपन्स शस्त्र। सो द्रोणाचार्य ने शस्त्रों की विद्या परशुराम अग्निवेश से ली थी और अस्त्रों की विद्या परशुराम जी से ली थी और उन्होंने अपने दोनों गुरुओं को बहुत हृदय से प्रसन्न किया था। शी वॉज अ परफेक्ट मैच एंड अ परफेक्ट पर्सन टू टीच। लेकिन अश्वत्थामा जो उनके बेटे थे उनके प्रति उनका थोड़ा ज्यादा झुकाव था, वो नेचुरल भी, अपने बेटे के प्रति कोई भी पिता झुकाव रखता है। तो सारे कौरवों और पांडवों के साथ में अश्वत्थामा को भी शस्त्र और अस्त्रों की विद्याएं द्रोण दे रहे। इसमें वो क्या करते कि अब सारे शिष्यों को छोटे मुंह वाली एक सुराही देते और कहते कि जो कोई भी मेरे पास इसको सबसे जल्दी भर करके लाएगा उसको मैं स्पेशल विद्या दूंगा। और अपने बेटे अश्वत्थामा को थोड़े बड़े मुंह वाली सुराही देते क्योंकि उसका पानी जल्दी भर जाए, वो जल्दी आ जाए तो मैं उसे कुछ स्पेशल अस्त्र सिखा सकूं। सो हमेशा ये होता कि सारे कौरव पांडव और अश्वत्थामा सभी एक साथ एक ही बाहर से देखने के लिए एक ही जैसे सुराही, लेकिन अंदर जो उसका मुंह है वो अश्वत्थामा का बड़ा होता था, बाकी सबका छोटा होता था। सो अर्जुन देखने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, हर दिन केवल अश्वत्थामा जल्दी भर करके आता है, क्या है एक्स्ट्रा ऐसा उसके सुराही में? सुराही मीन्स वेसल, पॉट, घड़ा, लंबी जिसकी गला होता है उसको सुराही कहते हैं। नॉर्मल पॉट यानी मटका यानी शुरू से ही ऐसा हो जाता है और सुराही मतलब ऊपर मुंह होता है, लंबी लंबा गला होता है और फिर नीचे पॉट होता है, सुराही। सो उसका जो मुंह था वो उस गले के अंदर था, ऊपर से दिखने के लिए सबका सेम खुला था लेकिन अंदर जो गला था वो अश्वत्थामा के, जो अश्वत्थामा की सुराही थी उसका थोड़ा ज्यादा बड़ा था तो जल्दी पानी भरता था। ये जिस दिन अर्जुन ने नोटिस किया, अर्जुन समझ गए कि यहाँ पर द्रोणाचार्य उन्हें टेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद अर्जुन जाकर के अपने वरुण अस्त्र से अस्त्रों का उपयोग करके वो सुराही भर दे और अश्वत्थामा से पहले आ जाने। सो सारे कौरव गए, पांडव गए, अश्वत्थामा भी गए। अश्वत्थामा अपनी सुराही डुबो करके पानी भर रहा है, उसके पहले अर्जुन ने वरुण अस्त्र निकाला, मंत्रोच्चारण करके बाण छोड़ दिया, सुराही भर गई वापस। तो जब द्रोण ने ये देखा वो बहुत खुश हो गए
कि अर्जुन के अंदर ये सीखने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा है. ही हैज अ पेंचेंट टू एक्सेल इन समथिंग दैट ही गोज अहेड इन. और द्रोणाचार्य को ये क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं. तो जब अश्वत्थामा और अर्जुन आते तो बाकी सबको आने के लिए समय लगता, तो इन दोनों को वो खास करके स्पेशल युद्ध कला के वेपन सिखाते. एक बार ऐसा हुआ कि अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ऐसे स्पेशल वेपन सीख रहे थे, तो द्रोण ने अर्जुन के अंदर वो एक हैवी इच्छा देखी कि I have to be the best. There should be no one excelling me in any way. जब द्रोणाचार्य ने ये बहुत अद्भुत इच्छा अर्जुन के अंदर देखी, उन्होंने बहुत सीक्रेटली जा करके उनके जो गुरुकुल में खानसामा बावर्ची कुक था उसे कहा कि कभी भी अर्जुन को रात के अंधेरे में सूर्यास्त के बाद खाना खाने नहीं देना. भूखा रहने दो लेकिन खाना खाने नहीं गया. और कभी भी उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें यह बताया. सुमावत जी ने प्रॉमिस किया, ठीक है मैं कभी नहीं बोलूंगा और कभी उसे खाना नहीं दे. एक दिन लेकिन दोपहर का खाना रखा हुआ था, अर्जुन ने नहीं खाया. रात को उन्हें भूख लगी, वो खाना खा रहे थे. खाना खाते खाते जोर से हवा चली और हवा चलने के कारण वहां का जो दिया था वो बुझ गया. और अर्जुन दिया बुझने के बाद भी खाते रहे. अर्जुन के मन में खट से ये विचार आया कि अरे पूरा अंधेरा होने पर भी मैं खा रहा हूं क्योंकि वो मेरी आदत है. अगर मैं अंधेरा होने पर खा सकता हूं तो अंधेरे में मैं बाण क्यों नहीं चला सकता. तो ये सोच करके अर्जुन बहुत खुश हो गए. वो बाहर आए और अंधेरे में बाण मारने लगे और रात में प्रत्यंचा चढ़ा करके टैंग 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 आवाज आ रही है. द्रोण ने सोचा ये क्या हो रहा है. वो सोते सोते ही सोचे ये पक्का अर्जुन है जो रात में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. बहुत ही कम समय में अर्जुन ने रात को भी केवल शब्द सुन करके, बिना देख करके, केवल शब्द सुन करके बाण चलाने की विधि भी हासिल कर ली. तो अर्जुन न दिन में सोते थे क्योंकि दिन में उन्हें द्रोणाचार्य सारे शिष्यों को अपने युद्ध कला के कौशल सिखाते, रात में भी वो अविरत प्रैक्टिस करते थे. इस तरीके से उन्होंने अपने निश्चय और दृढ़ता से पूरी तरह नींद को जीत लिया. सो नींद को संस्कृत में गुड़ाक कहते हैं. और नींद को जीतने वाले अर्जुन को हम देखते हैं भगवद्गीता में भगवान गुड़ाकेश के नाम से भी संबोधित करते हैं. गुड़ाकेश अर्थात गुड़ाक ईश, जिसने नींद को कंट्रोल कर लिया. ये बेस इंस्टिंक्ट्स हैं एक जीव के, भूख प्यास नींद और प्रजनन. इन चार के ऊपर जो प्रभुत्व पा सकता है या इन अपने दिव्यत्व को हासिल करने के लिए इन चार के ऊपर कंट्रोल जरूरी है. इन चारों के ऊपर जितना कंट्रोल होगा उतना हम शारीरिक स्तर को छोड़ करके दिव्यत्व की अनुभूति करेंगे. भूख प्यास नींद और प्रजनन की इच्छा. अर्जुन हैड गिवन अप ऑल दीज थिंग्स इन वन वे. थैंक यू वेरी मच. अथ श्री महाभारत कथा.